दिस इज दी ऑल न्यू KTM ड्यूक 250 और हमारे साथ तीन न्यू कलर स्कीम्स इसके खड़े हुए हैं। ये दो कलर स्कीम जो है ये पहले भी आते थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको व्हाइट कलर स्कीम मिल जाता है ऑरेंज थीम के साथ। ड्यूक यहाँ पे आपको व्हाइट में देखने को मिल जाएगा, ऑरेंज अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑरेंज इसका थोड़ा सा मेन कलर है, तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये बाइक दिख रही है। और वहीं पर ये वाला जो कलर स्कीम है इसके अंदर आपको बेस कलर जो है इसका थोड़ा सा ब्लूइश यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैट फिनिश में ये आ जाता है। दिखने में ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन 2024 में KTM ने रिसेंटली ब्लू कलर को लॉन्च किया है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, थोड़ा और प्रीमियम, इन दोनों से थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और ब्लैक टच देने की जो है वो कोशिश करी गई है। KTM अपनी सारी ही मोटरसाइकिल्स को ना थोड़ा थोड़ा डार्क शेड में ला रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो टैंक जो है आपको मैट ब्लू फिनिश में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ग्लॉस फिनिश मिल जाती है, अभी डार्क ब्लू आपको देखने को मिल जाएगा, ऑरेंज से आपको ड्यूक लिखा हुआ मिल जाएगा। एलॉय व्हील्स जो है इसमें भी ऑरेंज ही आपको मिलते हैं, सिर्फ ये वाला कलर स्कीम है जिसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स जो है वो आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज तीनों ही कलर स्कीम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, बट दिस वन लुक्स मोर प्रीमियम। अब अगर आप स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करे गए हैं। यू स्टिल गेट अ 249cc इंजन जो कि प्रोड्यूस कर देता है आपका 31 bhp और 25 nm ऑफ टॉर्क, कम्स विद 6-speed गियर बॉक्स। बट एक सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि इस मोटरसाइकिल में 250cc के अंदर आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही एक प्यारी चीज़ है, बहुत ही एक अच्छा एड ऑन है। और किसी मार्केट में कोई भी 250cc मोटरसाइकिल नहीं है जिसके अंदर आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, तो ये टेक आपको सिर्फ KTM ऑफर कर रहा है और एक बहुत ही प्यारा टेक है। आपको मतलब ट्रैक यूज़ के लिए भी ये मोटरसाइकिल आपकी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाती है, और काफ़ी सारे अपग्रेड जो है वो इसके अंदर करे गए हैं। नाउ दिस इंजन इज टोटली न्यू, पहले जो ड्यूक 250 का इंजन आता था वो अलग था, ये वाला इंजन अलग है। दिस इज़ अ SOHC सेटअप, नॉट अ DOHC सेटअप। थोड़ा सा आप कह सकते हो DOHC जो होता है वो हल्का सा ज़्यादा रिफाइंड होता है, बट SOHC सेटअप देने के बाद भी इस बाइक के अंदर आपकी पावर का बंप मिला है आपको, और वो है 1 bhp का। लास्ट जनरेशन जो थी वो 30 bhp के अप्रॉक्सीमेटली आती थी और ये आपकी 31 bhp के अराउंड आती है। फ्यूल टैंक के अंदर आपको 15 liters का यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। KTM एक ये अपने मतलब बहुत एक अच्छी चीज़ कर रही है कि उनको पता है कि जो बाइक्स है ना इनकी, लोग इसको लॉन्ग टूर पे ले जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो टैंक कैपेसिटी हमेशा से ही KTM के साथ एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन मोटरसाइकिल्स है उनके अंदर टैंक कैपेसिटी को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ये मोटरसाइकिल आपको अप्रॉक्सीमेटली दे देती है एवरेज 35-40 km/h के, तो आपकी जो रेंज है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेटर हो जाती है। सीट हाइट की यहाँ पर बात करें तो 800 mm की आपको सीट हाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मोटरसाइकिल आपकी हो जाती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब एकदम मतलब टूरिंग फ्रेंडली जो होती है वैसी ये मोटरसाइकिल बन गई है अब आपकी, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एग्रेसिवनेस जो है बाइक की उतनी ज़्यादा नहीं बची है, लेकिन हाँ ये है कि डेली कम्यूटिंग के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए ये बहुत एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। सस्पेंशन की बात करोगे तो फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन मिल जाते हैं, अगेन WP के ही सस्पेंशन आपको ऑफर होते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफ सेट मोनोशॉक आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से डैम्पिंग क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। दिस इज़ द न्यू चेसिस न्यू सब फ्रेम, इसका रिस्पॉन्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। आपने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे होंगे जिसमें इसकी तारीफ हुई है। आज को मैं इसको चला के नहीं देख रहा, आज तो सिर्फ इसके कलर्स में आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये अगेन जो रियल वर्ल्ड में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेटर हो चुकी है। एक बहुत बढ़िया एड ऑन हुआ है ड्यूक के अंदर, ये जो टायर्स आप देख रहे हो ये टायर्स आपको MRF के स्टील ब्रेस टायर मिल जाते हैं, जो कि ग्रिपिंग बहुत बेटर प्रोवाइड कर देते हैं, और मतलब इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई है। ट्रैक ओरिएंटेड टायर्स भी है ये, तो आपको दोनों ही वर्ल्ड की परफॉर्मेंस इस मोटरसाइकिल से मिल जाती है। ड्यूल चैनल ABS के साथ आता है और इसके अंदर आपको सुपर मोटो ABS भी मिल जाता है, तो जस्ट इनकेस अगर आप इस मोटरसाइकिल को ट्रैक में, तो सुपर मोटो आपका काम आता ही है, उसके अलावा अगर आप ऑफ रोडिंग में भी ले जाते हो इस मोटरसाइकिल को, वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया आपका काम हो जाता है। 110 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में मिलता है, 150 सेक्शन का टायर आपको रेयर में मिल जाता है, तो आपकी जो ग्रिपिंग क्वालिटी भी जो है, स्टेबिलिटी भी जो है बाइक की, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया है। डिस्क अगर आप देखोगे एलॉय के अंदर माउंटेड है ये डिस्क, तो आपका थोड़ा सा जो वेट रिडक्शन है वो इस बाइक के साथ हुआ है, और मतलब ओवरऑल जो बाइक का अपीयरेंस है, जो फील है, वो काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हुआ है। ओवरऑल बाइक के वेट की बात करें तो 162 kg की ये मोटरसाइकिल है, वेट के अंदर भी ड्रॉप हुआ है कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वेट रिडक्शन बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुआ है, एंड इनफैक्ट इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है
वो भी थोड़ा सा बढ़ाया गया। और आप देख सकते हो कि इसके एग्जॉस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको मेटल का पार्ट भी दिया गया है, तो जस्ट इन केस अगर आप ऑफ रोडिंग ट्रेन पे थोड़ा सा जाते हो तो वहाँ पे आपके एग्जॉस्ट की प्रोटेक्शन हो जाती है। अदरवाइज इसके नीचे जो भी आफ्टर मार्केट अगर आपको बैश प्लेट लगानी है तो दैट माइट बी अवेलेबल एज अ पावर पार्ट, वो आपको कंपनी से चेक करना होगा। बट दिस इज हाउ इट लुक्स। अब बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। तो अनलाइक द ड्यूक 390 TFT डिस्प्ले उसके अंदर मिलता है, पर यहाँ पे आपको नेटिव डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपकी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, RPM मीटर आपको मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, ABS का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे लिखा होगा ABS ऑन या ऑफ, जिसपे सुपर मोटो ABS आपका एक्टिवेट हो जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है। और सबसे बढ़िया चीज़, 200cc से कंपेयर करोगे, अगर आप ड्यूक 200 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो स्विच गियर से ये टोटली डिफरेंट है, ये कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन है, इसका टच एंड फील इम्प्रूव करा गया है। यहीं से आप नेविगेट कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्राइस, दिस मोटरसाइकिल स्टार्ट्स विद अ प्राइस टैग ऑफ 2.40 लाख एक्स शोरूम। तो कंसीडरिंग कि क्या क्या चेंजेस इस मोटरसाइकिल के अंदर हुए हैं, प्राइस को काफ़ी जस्टिफाई करती है ये मोटरसाइकिल, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल बन जाती है इन अ 250cc कैटेगरी। तो अगर आप देखोगे ब्रांड न्यू चेसिस आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है, आपको न्यू डिज़ाइन इसके अंदर मिल जाता है, अनलाइक द 200 से थोड़ी के ज़्यादा ही डिफरेंट है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट ही है ये, आगे से पीछे से दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। फ्यूल टैंक इसका इंक्रीज कर दिया गया है, 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, सीट हाइट इसकी कम कर दी गई है, तो इवन फॉर द शॉर्ट राइडर्स दिस मोटरसाइकिल इज मोर कम्फर्टेबल नाउ, ऑल न्यू स्विच गियर्स, तो आपको कम्प्लीट प्रीमियम फील इस मोटरसाइकिल के साथ आने वाली है। सो दिस वॉज द ऑल न्यू 2024 ड्यूक 250। कैसी लगी है मोटरसाइकिल कमेंट करके जरूर बताओ, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड।